हेलो बच्चों, वेलकम बैक नॉलेज के बीसी। आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। 7.3 में क्या है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उसके तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं और उसका आपको एरिया निकालना है, या कोई भी फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है या कोई पॉलीगन कोई भी है, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, और उसका आपको एरिया निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। उसका एक फार्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूले को डेरिवेट कैसे करते हैं हम पहले देखें कैसे आया वो फॉर्मूला। और वीडियो देखने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है एबीसी। ए पॉइंट है, इसके एक्स वन वाई वन मान लेते हैं ऑर्डिनेट्स, बी के एक्स टू वाई टू और सी के एक्स थ्री वाई थ्री, ये पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। अब इसका एरिया निकालना है। पहले हमारे पास एरिया क्या होता था, शुरू में छोटी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, वन बाय टू बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट, ये होता था। ये क्या होता था, अगर हमें ये दिया हो, अब इसमें से हम ये तो निकाल सकते हैं बेस, लेकिन हाइट नहीं पता लगेगी हमें कितनी है। बेस तो हम ये डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन ये कहाँ आएगा ये नहीं पता हमें, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है ये निकालना। तो इसलिए ये फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा वो देखते हैं हम। अब ये फिगर है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये फिगर कैसे दी हुई है, इसको हम ग्राफ में लेंगे। ये हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लो ये पॉइंट है ए, एक्स वन वाई वन, ये है इसको एक्स टू वाई टू ले लेते हैं और ये एक्स थ्री वाई थ्री, ये सी हो गया, ये है बी। अब इसका एरिया निकालना है हमें, जैसे तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखिए ये प्लेन के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तीनों पॉइंट्स को यहां मिला लेते हैं नीचे और ये यहां आ जाएगा। अब इसका एरिया क्या होगा, टोटल फिगर क्या है हमारी, टोटल फिगर ये है, इसको पी क्यू आर मान लेते हैं, टोटल फिगर है पी ए सी बी आर यहां तक। अब इस टोटल फिगर में हमारे पास ये कोई फिगर ऐसी बनी नहीं कि हम इसका एरिया निकाल सकें, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। अच्छा, ये फिगर देखें अगर हम, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, इसमें ये दो पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि हम ये सीधे पैरेलल लिया है हमने दोनों वाई एक्सिस के, ये वाई है ये एक्स है, तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये नॉन पैरेलल हैं, तो ये ट्रेपेजियम हो गया एक, और इधर ये भी ट्रेपेजियम है, तो ये क्या हो गया, इसका टोटल फिगर का एरिया ये ट्रेपेजियम प्लस ये ट्रेपेजियम, इन दोनों का प्लस है, हमें चाहिए सिर्फ ये, तो इसमें से हम ये ट्रेपेजियम माइनस कर देंगे, ये भी एक ट्रेपेजियम है, तो इसका एरिया क्या हो गया, देखिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू टोटल फिगर का एरिया क्या हुआ, दो ट्रेपेजियम का प्लस करके ए पी क्यू सी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी क्यू सी, ये फर्स्ट, और दूसरा क्या है सी क्यू आर बी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी क्यू आर बी, ये तो होगी टोटल फिगर। अब इसमें से ये वाला माइनस करना है, तो क्या बच जाएगा, ऊपर ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी आर बी ए, पी आर बी ए या ए पी आर बी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब इनके एरिया देखेंगे हम क्या क्या आएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी क्यू सी, ए पी क्यू सी इसका एरिया क्या आता है, एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, वन बाय टू इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस, सम क्या है, पैरेलल साइड्स ये हैं ए पी और सी क्यू, तो वन बाय टू इंटू ए पी प्लस सी क्यू इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस ये है दोनों के बीच में पी क्यू, प्लस एरिया ऑफ अगले इस ट्रेपेजियम का सम ऑफ पैरेलल साइड्स सी क्यू प्लस बी आर, वन बाय टू सी क्यू प्लस बी आर
इनटू इनका डिस्टेंस क्यू आर है माइनस इस ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 इनटू ये वाले ट्रेपेजियम पैरेलल साइड्स हैं ये एपी और बीआर एपी प्लस बीआर और डिस्टेंस है इनका पीआर इनटू पीआर ये आ गया। अब आगे क्या करेंगे देखिए 1/2 अगर हम बाद में ले सकते हैं या अभी भी ले सकते हैं कॉमन सारे में से कॉमन ले लिया कहीं नहीं लिखेंगे हम अंदर एपी है। अब एपी का डिस्टेंस कितना है देखिए एपी क्या है एपी हमारा सीधा वाई के पैरेलल है यानी इस पॉइंट का वाई पॉइंट ये हाइट है इसकी ये इसका एक्स हो जाएगा ये वाई हो जाएगा यानी ये एक्स हो गया यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये वाई हो गया हमें ये हाइट चाहिए तो ये वाई वन है तो क्या आ गया यहाँ पे वाई वन सी क्यू ये है यानी ये वाई की हाइट इस पॉइंट की कितनी है वाई थ्री प्लस वाई थ्री आ गया ये हो गया वाई वन ये हो गया वाई थ्री और पी क्यू ये है। अब पी क्यू क्या है पी क्यू है इस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है एक्स वाला पॉइंट एक्स थ्री ये एक्स एक्सिस है इस पॉइंट का डिस्टेंस ये एक्स थ्री है और ये कितना है एक्स वन तो पी क्यू कितना बचा एक्स थ्री माइनस एक्स वन तो यहाँ क्या लिख देंगे एक्स थ्री माइनस एक्स वन प्लस ये 1/2 हम बाहर ले चुके हैं इसको दोबारा नहीं लेंगे। सी क्यू क्या था हमने यहाँ लिया था वाई थ्री था बी आर ये है वाई की हाइट कितनी है वाई टू और क्यू आर ये था। अब क्यू आर कितना है इसमें टोटल माइनस दिस टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया ये एक्स एक्सिस वाला एक्स टू है एक्स टू में से ये यहाँ तक कितना था एक्स थ्री में से एक्स थ्री माइनस कर देंगे एक्स टू माइनस एक्स थ्री माइनस यहाँ पे माइनस है 1/2 हम ले चुके हैं बाहर कॉमन। अब आता है एपी कितना था एपी हम पहले भी ले चुके हैं वाई वन था प्लस बी आर यहाँ लिया था हमने वाई टू और पी आर क्या है ये पी आर क्या आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस दिस यानी इसको ओ मान लेते हैं ओरिजिन ओ आर माइनस ओ पी तो ओ आर कितना है एक्स एक्सिस पे एक्स टू और ये कितना है एक्स वन माइनस एक्स वन ये आ गया इसको क्लोज कर दिया। अब इसको सारे को हम देखेंगे क्या आएगा। अब पहले हम क्या करेंगे ये माइनस खत्म कर लेते हैं हम इसको क्या कर देंगे प्लस ये माइनस हम हटा देते हैं इसका साइन चेंज कर देंगे यानी यहां से माइनस कॉमन ले लिया ये आ गया। अब एक्स वन वालों को इकट्ठा कर लेते हैं फिर एक्स टू वालों को फिर एक्स थ्री वालों को 1/2 हमारे पास था बाहर। अब एक्स वन वाले एक्स वन में हमारे पास क्या था देखिए ये है यहां पे एक्स वन के साथ क्या है ये पूरा और यहां पे एक्स वन के साथ ये पूरा यानी वाई वन प्लस वाई टू और यहां पे माइनस है माइनस वाई वन माइनस वाई थ्री हो जाएगा यहां आ गया वाई वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन माइनस वाई थ्री। अब एक्स टू वाले को लेंगे एक्स टू में भी यही हो जाएगा चीज एक्स टू में प्लस वाला पहले रखते हैं वाई थ्री प्लस वाई टू और माइनस वाला क्या है वाई वन माइनस वाई टू और एक्स थ्री में हमारे पास क्या है प्लस में पहले वाई वन प्लस वाई थ्री और माइनस में क्या है वाई थ्री माइनस वाई टू ये आ गया 1/2 इंटू वाई वन से वाई वन कैंसिल एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू यहां पे देखिए अब क्या आया वाई टू से ये कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा वाई थ्री माइनस वाई वन और यहां पे वाई थ्री कैंसिल हो गया बचा क्या एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। अब इस फॉर्मूले को आप देखिए ध्यान से तो क्या आएगा अगर आप वन टू थ्री
लाइन में याद रखें 1 2 3, फिर एक छोड़ दीजिए 2 3 1 और फिर 3 1 2, यानी अगर आप ऐसे इसको लाइन वाइज लिखें 1 2 3 1 2 3 आ गया, फिर एक छोड़ के पहला 2 3 1, फिर लास्ट वाला 3 1 2। इसमें आपने पहला पॉइंट एक्स लेना है, बाकी दोनों वाई, ये ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस दी हुई है, एरिया निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमें पॉइंट्स क्या दिए हैं 2 3, -1 0 और 2 -4, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पॉइंट्स मान लेते हैं हम, लेट वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है, ए पॉइंट मान लिया हमने 2 3, बी पॉइंट -1 0 और सी पॉइंट 2 -4। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2, ये x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी 1/2, x1 2 है, y2 -y3, y2 ये है, y3 ये है, y2 0, -4 तो प्लस हो जाएगा, प्लस x2 है -1 इंटू y3 -y1, y3 है -4 और y1 है 3, फिर प्लस x3 है 2, y1 3, -y2 0, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू 2 × 4, 8 हो गया, यहाँ -1 × -7, +7 हो गया, और 3 × 2 = 6 हो गया, तो ये आ गया 8 और 7 = 15 और 6 = 21, 21/2, तो ये आ गया 21/2, इसका एरिया आ गया, या इसको लिख सकते हैं हम 10.5 स्क्वेयर यूनिट्स। सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट में पॉइंट्स दिए हैं ए -5 -1, बी 3 -5 एंड सी 5 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया क्या आ जाएगा, 1/2। अब इसमें x1 -5 हो गया और y2 -y3 क्या हो जाएगा इसके अंदर, -5 -2, प्लस x2 3 हो गया, 3 × y3 - y1, 2 -1, फिर प्लस ये हमारे पास कितना है 5, x3 इंटू क्या था, y1 - y2 y1 -5, यानी प्लस हो गया, 1/2 इंटू -5 -7, प्लस का 35 हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया, और ये हो गया 4 × 5 = 20, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 64/2, यानी 32 स्क्वेयर यूनिट्स। तो ये आंसर आ गया इसका सेकंड पार्ट का। नाउ क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, एक चीज और आती है अभी, ये भी हमने लास्ट 7.1 एक्सरसाइज में डिस्कस की थी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर तीनों वर्टिसेस कोलिनियर हो जाती हैं या ऐसा हो जाए कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल हो तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब वो एक लाइन पे है, अगर दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या होता है कि पॉइंट जो है, एक पॉइंट उसमें दो, एक एक्स साइड के ऊपर लाई करता है तीसरा,
तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कोलिनियर है, कोलिनियर हो गया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया कितना होगा, जीरो। तो जब भी पॉइंट्स कोलिनियर हों, तीन पॉइंट्स, तो उनका ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है और एरिया जीरो हो जाएगा। तो इसमें क्या है, अब ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहला क्या है, पहला पॉइंट हमें दिया है 7-2, और बी है 5-1, एंड सी है 3k। अब पॉइंट्स कोलिनियर हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू जीरो। तो एरिया जीरो होगा, तो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 इंटू 7 × 1 - k हो जाएगा, 7x1 × y2 - y3 प्लस 5 × k + 2 हो जाएगा, 5 आ गया x2 × y3 - y1 प्लस 3 × −2 - 1। एरिया जीरो होना चाहिए। तो अब एरिया जीरो हुआ तो क्या होगा, ये 1/2 को उधर ले जाएं, 2 हो जाएगा 2/1, और ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। यहाँ आ गया 7 - 7k प्लस 5k + 10, और ये आ गया -3 × 3 = 9 = 0। ये टोटल कितना हो गया, k वाला पॉइंट -2k इज इक्वल टू, उधर जाके ये हो गया -8, तो k इज इक्वल टू 4 आ गया। k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर आ गया। सेकंड है, सेकंड पार्ट में पॉइंट्स क्या दिए हैं, p ए बी सी मान लेते हैं, ए 8-1, बी के -4, एंड सी 2-5। ये पॉइंट्स दिए हैं, इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। पॉइंट्स को लीनियर है इसलिए, तो एरिया क्या आ गया, 1/2 इंटू ये आ जाएगा 8 × −4 + 5 प्लस के इंटू -5 - 1 प्लस 2 × 1 + 4 इज इक्वल टू जीरो। 8x1 × −this - this ये आ गया, फिर के इंटू -5 - 1 ये आ गया, फिर सी ये हमारा हो गया x3, ये दिस इंटू 1 - -4 ये आ गया। 1/2 को इधर ले जाएंगे, जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का जीरो हो जाएगा। अब ये आ गया 1 × 8 = 8 प्लस -6k हो गया, -6k, और ये 5 × 2 = 10 इज इक्वल टू जीरो। तो -6k इज इक्वल टू -18, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो k की वैल्यू इसमें कितनी आ गई हमारी, 3 आंसर आ गया इसका।